हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थीटा डिके के कॉन्सेप्ट को, कि थीटा डिके जो होता है ये कॉन्सेप्ट क्या है, थीटा डिके कैसे होता है, इसके बारे में हम सब कुछ समझेंगे। तो देखिए, हम ऑप्शन ट्रेडर हैं और बेसिकली हम ऑप्शन सेल करते हैं। तो एक बहुत फेमस सेइंग है और ये सेइंग एक ऑप्शन सेलर के लिए बिल्कुल एप्ट है, और ये सेइंग है टाइम इज मनी। एक ऑप्शन सेलर के लिए वाकई टाइम मनी होता है, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होता है, क्योंकि वो प्रीमियम को सेल करता है और फिर वो थीटा डिके का वेट करता है, और जो थीटा डिके होता है यही एक ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होता है। इसीलिए कहा भी जाता है थीटा डिके है एक ऑप्शन सेलर का फ्रेंड होता है और एक ऑप्शन बायर का ये एनिमी होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही समझाऊंगा कि थीटा डिके का कॉन्सेप्ट क्या है, और अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आपको सबसे ज्यादा थीटा डिके कहां मिलेगा, आप थीटा डिके को ऑप्टिमली कैसे यूज कर सकते हो अपने फेवर में, और अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आप किस तरह से थीटा डिके से बच सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। जो चैनल के मेंबर्स हैं, जो स्मार्ट सेलर और सुपर स्मार्ट सेलर सेगमेंट में चैनल के मेंबर्स हैं, उनके लिए कल मैं एक मेंबर्स ओनली एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका परफेक्ट लॉट साइज क्या होना चाहिए और क्या वो तरीका है जिससे अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका अकाउंट कभी भी ब्लो अप नहीं होगा, चाहे मार्केट में कल लोअर सर्किट ही क्यों ना लग जाए। तो ये तरीका क्या है, इसका स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड मैं आपको बताऊंगा। तो कल का वीडियो आप मिस मत कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। कल मैं आपको बताऊंगा कि आप रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, और अब मैं आपको बताता हूं कि थीटा डिके का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, थीटा डिके जो होता है ये एक ऑप्शन के प्रीमियम में हर रोज होता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, चाहे वोलेटिलिटी बढ़े चाहे कम हो, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हर एक दिन आपका जो प्रीमियम है उसमें टाइम वैल्यू टूटती है। तो थीटा डिके है ये हर एक पासिंग डे के साथ होगा, और ये एक ऑप्शन सेलर है उसका प्रॉफिट होता है, और ऑप्शन बायर है उसका लॉस होता है। और थीटा डिके की एक और प्रॉपर्टी है, जैसे जैसे एक्सपायरी नियर बाय आती जाती है, हम एक्सपायरी को अप्रोच करते हैं, वैसे वैसे थीटा डिके की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। इस चार्ट को देखिए, यहाँ पे जब हम एक्सपायरी के पास में जा रहे हैं तो आप देखिए थीटा डिके की जो स्पीड है वो किस तरह से बढ़ जाती है। तो थीटा डिके है ये सबसे ज्यादा एक्सपायरी के पास में होता है। तो अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो लास्ट वीक में आपको सबसे ज्यादा थीटा डिके मिलता है, और अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए बिल्कुल उल्टा हो जाता है, थीटा डिके सबसे ज्यादा लास्ट वीक में होता है। तो थीटा डिके है ये एक ऑप्शन बायर के लिए लॉस हो गया, और एक ऑप्शन सेलर है उसके लिए प्रॉफिट हो गया। लेकिन मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप लास्ट वीक में जाके और ऑप्शन सेलिंग कीजिए, और उसका रीजन ये है कि लास्ट वीक में गामा इफेक्ट आ जाता है। गामा इफेक्ट क्या होता है इस पर मैं किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा, आज हम अपने टॉपिक से स्टिक रहते हैं कि थीटा डिके क्या होता है। तो देखिए, थीटा डिके की ये दो प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी है, कि थीटा डिके है वो एक्सपायरी के पास में जाके और उसकी स्पीड है वो बहुत तेज हो जाती है, और दूसरी बात ये कि थीटा डिके का वोलेटिलिटी और अंडरलाइन में जो मूवमेंट होता है उससे कोई लेना देना नहीं होता। हर एक पासिंग डे के साथ जो आपका ऑप्शन प्रीमियम है उसमें टाइम वैल्यू टूटेगी ही, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए, चाहे मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़े या कम हो। तो देखिए, जब थीटा डिके की बात आती है तो जो एक ऑप्शन सेलर होता है उसका एक फ्रेंड होता है, उसको हर एक पासिंग डे के साथ थीटा डिके मिलता ही है बिना कुछ किए, तो ये उसका प्रॉफिट होता है। लेकिन जो ऑप्शन बायर है उसके ये अगेंस्ट वर्क करता है। तो एक ऑप्शन बायर को एक्स्ट्रा विजिलेंट रहना पड़ेगा थीटा डिके को लेकर, क्योंकि थीटा डिके है ये उसके अगेंस्ट काम करता है, बिना कुछ किए हर रोज टाइम वैल्यू टूट रही है, और जो टाइम वैल्यू टूट रही है ये एक ऑप्शन बायर का लॉस है। तो एक ऑप्शन बायर थीटा डिके से किस तरह से बच सकता है ये अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि थीटा डिके है ये एक्सपायरी के पास में जाके इसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है, लेकिन शुरू में इसकी स्पीड कम रहती है। तो बींग ए ऑप्शन बायर आपको मेक श्योर करना है कि आप लास्ट वीक में जाके ऑप्शंस को बाई ना करें, आप सीरीज के शुरू में ऑप्शंस को बाई कीजिए। सीरीज के शुरू में ऑप्शन बाइंग करने से क्या होगा, जो थीटा डिके है उसकी स्पीड कम रहती है, और जैसे जैसे हम अप्रोच करते हैं वैसे वैसे स्पीड है वो बढ़ जाती है। इसलिए पहली बात तो ये कि अगर आपको थीटा डिके को अवॉइड करना है तो आपको सीरीज के शुरू में ऑप्शंस को बाई करना पड़ेगा। लेकिन आप शुरू में ऑप्शंस को बाई करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पूरी तरह से थीटा डिके को अवॉइड कर दिया है। थीटा डिके तब भी होगा लेकिन उसकी स्पीड है वो कम होगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको सीरीज के शुरू में ऑप्शंस को बाई करना है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका ये कि जो थीटा डिके होता है वो इन द मनी ऑप्शंस में कम होता है। आउट द मनी में जो ऑप्शंस में थीटा डिके होता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, और इन द मनी में उसकी स्पीड कम होती है। तो ऑप्शन बाइंग अगर आपको करनी है तो आपको इन द मनी ऑप्शंस को बाई करना है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपको सीरीज के शुरू में ऑप्शंस को बाई करना है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि आपको इन द मनी ऑप्शंस को बाई करना है। और तीसरा पॉइंट जिसमें आप थीटा डिके से बच
सकते हो बींग ए ऑप्शन बायर, वो ये कि आप लॉन्ग टर्म के ऑप्शंस को बाय कीजिए। मान लीजिए निफ्टी अभी 18,000 पे है और आपका व्यू है कि निफ्टी यहां से और ऊपर जा सकता है, तो आप एक ऑप्शन को बाय करना चाहते हो। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस सीरीज का ऑप्शन बाय नहीं करना है, आप दो मंथ बाद का ऑप्शन बाय कीजिए। आप एक 18,000 का कॉल ऑप्शन बाय कीजिए, लेकिन करंट मंथ का भी बाय मत कीजिए, नेक्स्ट मंथ का भी बाय मत कीजिए, आप फार मंथ का ऑप्शन बाय कीजिए। उससे क्या होगा, जो आपका थीटा डिके है वो कम हो जाएगा। तो क्योंकि आपने फार मंथ का ऑप्शन बाय किया है, इस वजह से आपका जो थीटा डिके है वो बेयर मिनिमम होगा। और अगर आप इसी ऑप्शन को थोड़ा इन द मनी जाके बाय कर लेते हैं तो ये और कम हो जाएगा। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, आपको चीज समझनी होगी कि जो थीटा डिके है वो मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है, तो आपको उसको काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने जो आपको स्टेप बताए हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आप थीटा डिके को इजीली काउंटर कर सकते हो। और वो स्टेप क्या है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला तो ये कि आप सीरीज के लास्ट में जाके और ऑप्शंस को बाय ना करें, सीरीज के शुरू में आप ऑप्शंस को बाय करें। दूसरा स्टेप ये कि आप इन द मनी के ऑप्शंस को बाय करें। और तीसरा स्टेप ये कि आप फार मंथ के ऑप्शंस में ट्रेड करें, जो नियर मंथ है या करंट मंथ है उन ऑप्शंस को आप बाय मत कीजिए, आप फार मंथ के ऑप्शंस को बाय कीजिए। चलिए तो ये तो बात होगी ऑप्शन बायर की, अब बात कर लेते हैं ऑप्शन सेलर की। देखिए ऑप्शन सेलर है उसका फ्रेंड होता है थीटा डीके, मार्केट में अगर कुछ नहीं होता है तो उसको प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट क्यों होगा, टाइम वैल्यू की वजह से। तो हर एक पासिंग डे के साथ जो टाइम वैल्यू टूटती है वो एक ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होता है। तो एक ऑप्शन सेलर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां पे हो सकता है वो समझने के लिए जो मैंने ऑप्शन बायर के बारे में बताया उसका बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। देखिए आप लास्ट वीक में जाके ऑप्शंस को सेल करते हो तो थीटा डीके वहां सबसे ज्यादा मिलेगा, लेकिन वो मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। लास्ट वीक में जाके आपको ऑप्शंस को कभी भी सेल नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंथ के शुरू में अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो वहां पे थीटा डीके कम होता है, लेकिन वो कम होता है ऐसा नहीं है कि वहां पे थीटा डीके नहीं होता है। तो आप मंथ के शुरू में ऑप्शंस को सेल कीजिए। मैं हमेशा मंथलीज में ट्रेड करता हूं और मैं इस चैनल पे बार-बार बोलता हूं कि आप वीकलीज को सिर्फ हेजिंग पर्पस से यूज कीजिए, आप मंथली ऑप्शंस में ट्रेड कीजिए। तो मंथली ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हो, मंथ के शुरू में आप ऑप्शंस को सेल कर सकते हो। जब आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो मैंने आपको बताया कि आप फार मंथ में ट्रेड कीजिए, लेकिन आप मंथली ऑप्शंस को सेल कर सकते हो बीइंग ए सेलर, वहां पे आपको थीटा डीके अच्छा खासा मिल जाएगा। और दूसरा, आप कभी भी इन द मनी ऑप्शंस को सेल मत कीजिए। इन द मनी ऑप्शंस में जो थीटा डीके होता है वो बहुत बेयर मिनिमम होता है, तो आपको इन द मनी ऑप्शंस को कभी भी सेल नहीं करना है, आपको आउट द मनी ऑप्शंस को सेल करना है। देखिए मार्केट में अगर कुछ भी नहीं होता है तो जो आउट द मनी के ऑप्शंस होते हैं वो बर्फ की तरह पिघलने लगते हैं, तो उसका आपको फायदा उठाना है। जो आउट द मनी के ऑप्शंस हैं उनको आपको सेल करना चाहिए। उनमें क्या होता है, एक तो आप मार्केट को स्पेस देते हो, डेल्टा की वजह से जो आपको लॉस हो सकता है उस प्रोबेबिलिटी को आप कम करते हो, और साथ ही आपको अच्छा खासा थीटा डीके भी मिलता है। तो आपको हमेशा आउट द मनी ऑप्शन को सेल करना है। बाकी थीटा डीके को लेके ऑप्शन सेलर को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि थीटा डीके जो है एक ऐसी चीज है जो हर एक पासिंग डे के साथ ऑप्शन के प्रीमियम में से कम होती जाएगी। तो एक ऑप्शन सेलर है उसको प्रॉफिट होगा ही, मार्केट में कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम वैल्यू रोज टूटेगी, और इवन ये सैटरडे और संडे जिस दिन मार्केट बंद होता है उस दिन की भी टाइम वैल्यू आपके प्रीमियम्स में से टूटती है। तो आपको इस प्रॉपर्टी का भी फायदा उठाना है। मान लीजिए किसी मंथ में ज्यादा छुट्टियां हैं, कोई लंबा वीकेंड है, या किसी भी वजह से मार्केट बंद रहने वाला है, तो वहां पे आप ऑप्शन सेलिंग कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि मार्केट जिस दिन बंद रहता है उस दिन भी टाइम वैल्यू टूटती है, जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो मेल्ट होते हैं, तो उसका आपको फायदा उठाना है। मार्केट में कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि मार्केट में छुट्टी है, मार्केट बंद है, लेकिन टाइम वैल्यू टूट रही है आपके ऑप्शंस की, तो वहां पे आप ऑप्शन सेलिंग कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि बिना कुछ कि आपको थीटा डीके मिल रहा है। तो इस तरह से आपको एक विजिलेंट ट्रेडर बनके और ट्रेड करना है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो भी आपको देखना है कि मुझे कहां पे ट्रेड करना चाहिए, कौन सी सीरीज में ट्रेड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना चाहिए। और सेम गोज ट्रू फॉर ऑप्शन सेलर आल्सो, उसको भी देखना है कि मुझे कौन सी सीरीज में ट्रेड करना है, मुझे कौन से ऑप्शंस को सेल करना है, कहां पे मुझे अच्छा खासा थीटा डीके मिलेगा। तो ये मैंने आपके साथ कुछ तरीके शेयर किए कि अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आप किस तरह से अपने थीटा डीके को बढ़ा सकते हो, और अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आप किस तरह से अपने थीटा डीके को कम कर सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।